एक जंगल में मुनी चिड़िया रहती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम चुलबुली चिड़िया था। चुलबुली चिड़िया मुनी चिड़िया की सौतेली बहन थी। वह हमेशा उससे काम करवाती और अपने आराम करती। ए चुलबुली चिड़िया, बर्तन साफ की तूने? आपकी माँ की मृत्यु के बाद मेरी माँ ने ही हम दोनों को पाला है। अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही तो आप सारा दिन मुझसे काम करवाती हैं और अपने दिन भर आराम करती हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जबान लड़ा रही है तुमसे। जा, कल से मैं तेरे भाई की पढ़ाई बंद करा दे रही हूँ, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा मत कीजिएगा। मेरे भाई का पढ़ाई मत बंद करवाइएगा। मैं अभी जाती हूँ बर्तन धोने। इतना कह के वह रोने लगती है। इसी तरह हर बार मुनी चिड़िया उसको उसके भाई की पढ़ाई बंद कराने की धमकी देके सारा काम उससे करवाती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुनी चिड़िया चुलबुली चिड़िया से रोज बहुत ज्यादा ज्यादा काम करवाती रहती है। तभी एक दिन उसका भाई कलवा कौवा वहाँ आ पहुँचता है। और भैया, बड़े दिनों बाद यहाँ आना हुआ, क्या बात है? सब ठीक तो है? हाँ बहन, सब ठीक है। मैं यहाँ पे एक खास काम के लिए आया था। मेरे पास एक शादी का रिश्ता आया हुआ है। लड़का बहुत बेकार है। लड़का शराबी है पर बहुत पैसे दे रहे हैं उसके घर वाले, पूरे 5 लाख रुपए दे रहे हैं। सोच रहा था कि चुलबुली चिड़िया की ही उससे शादी करा दे। लड़का शराबी हो या जुआरी, हमसे क्या, पैसे तो हमें मिल जाएंगे। नहीं नहीं, तुम सही सोच रहे हो। लड़का शराबी हो या जुआरी कोई भी हो, हमें उससे क्या, हमें तो पैसे चाहिए। पूरे 5 लाख रुपए दे रहे हैं, ऐसे ही थोड़े ना जाने देंगे। चलो चलते हैं घर उसके पैसे लाने। वह वहाँ तुरंत जाते हैं और शादी की बात पक्की करके पैसे ले आते हैं। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन उसकी सास उसको कहती है, तेरी बहन कैसी है रे, जो थोड़े से पैसे के लिए शराबी लड़के के साथ तेरी शादी करा दी। हाँ, आखिर सौतेली जो है। क्या कहा आपने, थोड़े से पैसे के लिए? मैं कुछ समझी नहीं। तेरी बहन ने मुझसे पूरे 5 लाख रुपए लिए और मेरे शराबी बेटे से तेरी शादी करा दी। माँ जी, आप कृपया करके उनको ऐसे मत बोलिए। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। बुलबुली चिड़िया तुरंत अपने मैके चली जाती है। वहाँ मुनी चिड़िया आराम से बैठी रहती है। दीदी, मुझे पता चला है कि आपने थोड़े से पैसे के लिए मेरी शादी एक फ्यक्कड़ आदमी से कर दी। क्या ये सच बात है? मुझे बताइए दीदी। हाँ, किया है मैंने तेरी शादी एक फ्यक्कड़ से, तो क्या कर लेगी। लिए हैं पैसे मैंने, वो भी पूरे 5 लाख। बोल, क्या कर लेगी तू? दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने थोड़े से पैसे के लिए मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी बुलबुली चिड़िया का भाई वहाँ आ जाता है। दीदी, आप जब से वहाँ गई हैं, बड़ी दीदी पूरा दिन मुझसे काम करवाती रहती है और पढ़ने भी नहीं देती है। तुम चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें भी अपने साथ वहाँ ले चलूँगी। जा जा, ले जा, मैं भी देखती हूँ वो तुझे भी अपने साथ रखेंगे और तेरे भाई को भी, देखते हैं। यह सुन के वह बिना अपने भाई को लिए रोते हुए वापस चली जाती है। वह घर पहुंचकर रो ही रही होती है कि उसका पति शराब के नशे से उठता है। देखो बुलबुल चिड़िया, मुझे पता है तुम मुझ जैसे फ्यक्कड़ से शादी करके बिल्कुल खुश नहीं हो, लेकिन तुमने फिर भी मुझसे शादी की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम रो क्यों रही हो बुलबुल चिड़िया, मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैं आपको क्या बताऊं जी, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, पर मेरी सौतेली बहन मेरे छोटे भाई को स्कूल में से नाम कटवा दी है और सारा दिन अपने यहाँ काम करवाती रहती है, उसे कभी भी पढ़ने नहीं देती है। इसी बात को लेके मैं बहुत परेशान हुई। बस इतनी सी बात? दूसरे जंगल में हमारा बहुत बड़ा स्कूल है, मैं अभी वहाँ बात करके उसका एडमिशन वहाँ करा देता हूँ। और वहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधा है, वह वहाँ आराम से रहेगा, खाएगा और पढ़ेगा। एक बात और तुमको बतानी है,
अब मैं धीरे धीरे शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और कल से मैं अपना बिजनेस संभालने भी जाऊँगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। बुलबुली चिड़िया का भाई का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है और बुलबुली चिड़िया का पति भी धीरे धीरे कुछ ही दिन में शराब छोड़ देता है और दोनों मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है।